अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहान है और आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको ट्रेड दी थी, ये देखें। यहाँ मैंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी और ये देखें, सक्सेसफुली हमारा टारगेट हिट हो गया है। मैंने आपको सपोर्ट लाइन भी बताया था कि इस सपोर्ट को टच करेगा। ये देखें, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। और ये देखें, ये भी डेली डेली का टाइम फ्रेम, और मैंने आपको बताया था इसको रिजेक्शन मिली है MA 100 से, तो ये भी मैंने आपको चीज़ बता दी थी। और मुझे मैंने आपको ये भी टारगेट दिया था कि अब ये जाएगा, 2 दिन से बोल रहा हूँ, ये डेली का टाइम फ्रेम है। मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट के बाद यहाँ से दोबारा रिजेक्शन और ये नीचे। ये देखें, ये मैंने अब प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जाके कंफर्म करें। ये वीडियोस, ये देखें, ये वीडियो मैंने बनाई, इन सब में आप जाके कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। और ये देखें, 1 दिन पहले, फिर 4 आवर्स पहले, मतलब ये चीज़ें मैं आपको अभी से ही दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। वह डेली का टाइम फ्रेम है, ये शॉर्टर नहीं, थोड़ी बड़ी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो उसके बाद आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा मैं। ये सारी चीज़ें तो ईजी हैं कि किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर देखते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन आज भी बता रहा हूँ कि ये विक क्यों लगी है इतनी बड़ी बड़ी। ये देखें, ये विक देख रहे हैं आप, क्यों लगी है? 4 आवर का टाइम फ्रेम है और मैं आपको सुबह मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये इन न्यूज़ पे नज़र रखनी है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:45 पे शिकागो PMI की रिपोर्ट आई है। देखें, दे शिकागो PMI मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये चीज़ें चेक करती है। तो प्रीवियस जो थी वो थी 45.70 पॉइंट्स, और अभी क्या आई है, वो आई है 45.20। ये अब मैनिपुलेट भी करते हैं कोई चीज़ें, देख रहे हैं अब। अब डॉलर जो है वो ऊपर चले गया, मैं आपको डॉलर का भी दिखा देता हूँ। ये देखें, 4 आवर का टाइम फ्रेम बात कर रहा हूँ मैं, 1 आवर में करेंगे तो आपको वो भी नज़र आएगा। भले ये देखें, 1 आवर में आपको चीज़ें देख लें, ये डॉलर 1 आवर में कितना ऊपर गया है, ठीक है। 4 आवर में भी देख लें, भले आप 4 आवर में भी ऊपर गया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी मैंने आपको डॉलर का दिखाया कि आप देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर जा रहा है। BTC दिखा दूँ आपको, ये देख रहे हैं विक कैसी लगी है, एक ही विक लगी है, ये गई है 20,700 और 20,200, मतलब के तकरीबन $500 की विक लगी है। और हमारा टारगेट भी हिट हो गया, मैंने शॉर्ट की पोजीशन दी थी, ये देखें, ओपन की थी, यहाँ पर ओपन की थी 20,700, मुझे पता था रिजेक्शन मिली है इसको, ए इसकी सपोर्ट से, तो आराम से जा गए। ये देखें 20,000, मैंने तो शॉर्ट, वैसे तो इसकी सपोर्ट यहीं थी, लेकिन मैं हमेशा ऊपर थोड़ा सा लगाता हूँ, 50-60 डॉलर, क्योंकि मुझे पता है कि उनको पता होता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, तो वो एक्सचेंजेस वाले पोजीशंस लगने की वजह से पहले ही ऊपर से क्लोज ऊपर उठा देते हैं विकों को, तो इसलिए मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको भी यही सजेशन देता हूँ, अगर सपोर्ट है तो इससे थोड़ा सा ऊपर 20-50 डॉलर यहाँ पर इसको टारगेट हमेशा लगाया करें, ताकि क्योंकि यहीं से अगर मार्केट घूम गई तो आपका और ट्रेंड चेंज हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा, लॉस से बेहतर प्रॉफिट है, भले थोड़ा हो लेकिन हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ये सारी वीडियोज़ मैंने बना दी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके इंडिकेटर्स भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं, BTC डोमिनेंस, इथीरियम, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, आप ये भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बाकी अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो इसको देख रहा हूँ कि क्या हालात और वाक़या चल रहे हैं जब ट्रेडिंग करेंगे बैठ के, तो मैं भी थोड़ी चीज़ों को देख रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, फिर लाइव ट्रेडिंग करूँगा बैठ के। तो उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं लाइव ट्रेडिंग करूँ आपको आपको नोटिफिकेशन आए और साथ ट्रेडिंग करें। तो और मैं आप में से ही लोगों को लूँगा, अपनी जो कॉपी ट्रेडिंग होती है उसके अंदर भी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।